को हमारे घर का पार्टीशन जैसे कि हो चुका है, मैंने आपको बताया खो खो हमेशा यहीं बैठी आपको मिलेगी। अब ये इसका एरिया है, इसके एरिया में कोई नहीं आएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। अभी नहाया हूँ सुबह उठने के बाद में, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। जैसे मैंने बताया था हमें मंदिर जाना है आज, तो भावना हमें मंदिर के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी निकलना है, प्रसाद चढ़ाना है, और कोको यहाँ पे है और ऑक्सीजन उस साइड है। ये देखो कैसे देख रही है मुझे, पता नहीं क्या देख रही है भाई, नाराज हो, गुस्सा हो किसी बात को लेके, पता नहीं। सबसे पहले अपने मंदिर में यहाँ पे भगवान जी को थोड़ा सा भोग, जय हो। चलो मंदिर, बाकी हमारे तीनों को पीस सो रहे हैं। ओ चक्के, भागो भागो भागो। तो अभी मैं और भावना जा रहे हैं मंदिर के लिए। इससे ज्यादा है ये हमारे, और ये उतार लो, ये फ्लावर्स आ चुके हैं, ये मंदिर में चढ़ाने होते हैं ना, तो फ्लावर्स भी आ चुके हैं। हाँ अंदर रखो। अभी हम मंदिर से आ चुके हैं, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं करी क्योंकि करनी नहीं चाहिए, धार्मिक स्थल है, करनी नहीं चाहिए। क्यों सही करा, मैंने की थी, मुझे डांट दिया था एक बार, इसने करी थी अपने यहाँ किसी मंदिर में, तो इसको डांट दिया था, ए इस लड़की को पकड़ो, और मेरा फोन छीन लिया था, इसका फोन भी छीन लिया था। फिर पुलिस वालों से फोन चेक कराया, इसका फोन चेक करो, इसके फोन में वीडियोस फोटो हैं, बट इतना करता नहीं हूँ। गुरुजी मैं घर आया हूं, ये सो गई, अब उठ गई, पप्पी बाहर आ गया, पप्पी बाहर आ गया, पप्पी बाहर आ गया, पप्पी बाहर आ गया। भाई बड़े हो गए ये तो, इतने समझदार हो गए, बाहर आ जाते हैं। अब अंदर हटो, हटो, दो यहाँ पे, तो तुम भी यहाँ जाओ भाई, निकल के आ गया। अब किसके हाथ साफ करे जा रहे हैं, खाना खाने के टाइम ही गंदे कर लेते हैं हाथ, मम्मी हाथ साफ कर रही है इनके। और देखो एक पप्पी वहाँ पे है, और कोको को भी पता नहीं है पप्पी यहाँ पे, वरना पता होती तो भाग जाती। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अरे उनका मत खा भाई, इसका हाथ, इसका पेड़ देखो कैसा बड़ा हो गया। निकलती भाई ये पप्पी, इसको बिल्कुल पास निकलती, बिल्कुल पास निकलती, सोच एक कौन है ये, छोटा पप्पी, छोटा प्यारा पप्पी। खाना खाने के बाद देखो मुँह गंदा हो गया पूरा, और पेट देखो इसका, ओए ओए गोलू गोल गोल, क्या ये सोच रही है इसका खाना है, बट ये पप्पी का खाना है, इसमें डॉग फूड और वो है अंडे हैं, ये सोच रही है इसको मिल जाए। नहीं नहीं तेरा नहीं है ये पीछे लग रही है मेरे, ये देखो कोको वहाँ से देख रही है, इसको नहीं दिया। अब आइए पास से, पता है क्यों, क्योंकि उसको पता है एग नहीं है, उसको मुझको नहीं दिए। ये देखो पप्पी खा रहा है, इसमें अलग अलग दूंगा। अरे 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 इधर है, इधर है, इधर है भाई, इधर है, आराम से। कोको देख रही है बड़ी गुस्से में, क्या हो रहा है। तो अब आई है हमारी कोको की, कोको खाना खाइए, कोको ले से। तो अभी भावना ने हमारे लिए बनाया है मैंगो शेक, मैं मैंगो शेक पी रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में मैं क्या है ये भेलपुरी और ये रही दूसरी पुड़ी ये हर चीज से खानी होती है। रॉक्सी नहीं आएगी जल्दी, रॉक्सी नहीं आएगी, रॉक्सी आराम से बैठी होगी उधर की, ये लेकिन तुरंत आ जाएगी। भाई खाने दिया करो हमें भी, तुम तो खा पी के एकदम फिट हो। तो भाई पिछले कम से कम 2 से 3 घंटे से हम लोग क्या कर रहे हैं, भावना और मैं मिलके अपने जो ब्रांड हमारा जो आने वाला है उसकी पिक्स एडिट कर रहे हैं। ये जिम हमने खुद लिया है कि हम खुद एडिट करेंगे। तो अभी देखो मैंने इस पर क्या एडिट करी थी, ये वाली है, इसमें मैंने दिखाया हमारे ब्रांड हमारे उसमें क्या क्या होगा और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैंने दिखाए हैं इसमें, मैंने ये एडिट करी है। और वहाँ भावना लगी हुई है कुछ लिखने में, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अमेज़ॉन पर डालनी हैं। तो भाई मेहनत बहुत गंदी वाली चल रही है हम लोगों की। कमेंट करके बताओ, सॉरी हाँ ये कमेंट करके बताओ ये कैसा लग रहा है, इसकी क्वालिटी ऐसी लग रही है और कैसा लग रहा है, मतलब हर ब्रांड का जो फर्स्ट लुक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, शायद यहाँ से देखना रहा हो। तो जो हमारे ब्रांड की फर्स्ट लुक होगी वो कुछ इस तरीके की होगी गाइस, यहाँ पे ये हमारे शैम्पू रहेगा और ये अमेज़न के फ्रंट पेज पे ये रहेगा। तो जल्दी से जाओ कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। अभी और भी पिक्स हैं जो एडिट करनी है इस तरीके की, मेहनत करिए यार, टाइम लग रहा है और अभी लगभग हमें बहुत सी इमेज एडिट करनी बाकी है, अभी हमने आधी भी नहीं करी है। लाइक अगर 20 करनी है तो 10 ही कर पाए हम, टाइम लग रहा है। और भावना भी लिखाई पड़ेगा, काम कर रही है, वो लिख रही है, मैं उसे बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और वो भी मेरे साथ पिछले 2 से 3 घंटे से लगे हुए हैं। और आज हमारा आधा दिन तो जा चुका है, मुझे लग रहा है पूरा दिन हमारा इसी में ही जाने वाला है। और तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी सारी पिक्स एडिट कर लें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि विद इन अ वीक अब बहुत लेट हो रहा है, ब्रांड जल्दी से मुझे लॉन्च करना है और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी है उन चीज़ों की, तो अब रहा नहीं जाता, तो मिलता हूँ। ये देखो यहाँ पे खाना पीना, भेलपुरी खा लो, भेलपुरी अब भी चल रही है, सेकंड राउंड है, हाँ सेकंड राउंड भेलपुरी। देखो ये क्या मतलब, मैं यहाँ लेटा था, मेरे को ठंड लग रही थी, एसी में से वो लेट के आराम से आईपैड में एडिट कर रहा था। ये देखो, ओ सॉरी सॉरी, और ये ढक्के से होती है भाई, क्या हुआ, वो मांग रही खाने को, बोल रही भाई मुझे खाने को दे दो, मुझे खाने को दे दो। ये देखो और ड्रैकुला और हार्ड ड्रीम बेक, लो भाई लो सबको मुरमुरे खाने। ये भी आ गई, बिल्ली भी आ गई, अब तो गोदी में आ रही, देखो क्या करूँ इसका मैं। हमारे पप्पी बैठते हैं, अभी पप्पी के बैठने की जगह को हम क्लीन करेंगे अच्छे से, क्यों
क्योंकि होता क्या है कि दिन में लगभग दो बार हम अच्छे से जो क्लीन करते हैं या फिर छोटा मोटा कोई कपड़ा बिछा देते हैं। अभी गर्मी है तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा बिछाते नहीं है, आराम से बैठे रहते हैं। तो अभी क्या है, उस जगह को क्लीन करना है अच्छे से। यहाँ पे इस साइड में बैठते हैं ये, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको दिखाया है, तो अभी इसे क्लीन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ से हम लाइजोल वगैरह यूज़ करके अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे। यहाँ से हम दोबारा क्लीन करेंगे एक बार और, तो मतलब दो राउंड लगाते हैं अच्छे से क्लीन हो जाए, ताकि हमारे पप्पीज़ को कोई परेशानी ना हो। एंड गाइस वन मोर थिंग, अभी मैं अपने पप्पीज़ को एसी में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि एक तो छोटे हैं, ठंड लगने का थोड़ा डर रहता है, रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है, पप्पीज़ को टिक्स हैं छोटे छोटे से भाई, मैं नहीं चाहता कि हमारे हस्की को हो जाए, मतलब चीनी को हो जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। तो अभी इनको थोड़ा पाउडर लगा रहे थे, उससे कोई इम्प्रूव नहीं है, तो मुझे स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा टिक्स का, ताकि इनको टिक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वरना इनको भी प्रॉब्लम और मुझको भी प्रॉब्लम और मेरे डॉग्स दोनों को भी प्रॉब्लम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक टिक्स स्प्रे आता है ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, जैसे कि मान लो ये पप्पी यहाँ पे हमारे बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे मैं स्प्रे कर दूंगा, बस इतना करना है सिर्फ, फिर टिक्स चले जाएंगे। अभी है शाम का टाइम और हमारे घर में आज बनने वाले हैं पुलाव, जिसके लिए मैं सोया लेके आया था। सोया इनकी बड़ी हैं, ये आज पुलाव में डालेंगी, ये खत्म होती है लेके आया था। एंड बाबा ने बोला मैगी मसाला भी चाहिए, तो ये मैगी मसाला उसके लिए। बाकी तैयारी हो रही है खाने की, ये टाइम है रॉक्सी को खाना देने का और फिर उन्हें बाहर घुमाने का। तो शायद वो कमरे में उनका खाना लगाता हूँ, फिर उन्हें बुलाता हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।